एक तरफ बिहार सरकार और बिहार के मंत्रीगण अपना कागजी तौर पर पटना और दिल्ली में बैठकर नल जल योजना पर लगातार मीटिंग और बैठक कर रहे हैं। मानसी के छात्र राजद नेता अमृत राज ने सरकार और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से कहा, आप जो पटना में बैठकर नल जल योजना के बारे में सिर्फ दिखावे और कागजी तौर पर बैठक कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, अनियमितता है। आप खगड़िया जिला में आकर किसी एक प्रखंड में अपने स्तर से निरीक्षण करके खुद देख लीजिए, क्या आपका नाम धरातल पर हुआ है? क्या गरीब के घर में नल जल या शुद्ध पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सिर्फ दिखावे करने से काम नहीं चलेगा और आपका अधिकार और आपका ठेकेदार के द्वारा सिर्फ कमीशन लेने का काम कर रहा है। उससे ज़्यादा आप दिखा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिहार में भ्रष्ट मंत्री और बिहार सरकार अपना दिखावा ही कर रहे हैं, किसी भी कार्य को पूरा करने में असफल दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर एक भी काम ठीक से नहीं किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ दिखावे कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा नल जल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। छात्र राजद नेता मानसी अमृत राज ने नल जल योजना पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। हम बिहार सरकार और बिहार सरकार के मंत्री से कहना चाहते हैं, और जो बिहार में और पटना में बैठकर बराबर मीटिंग और नल जल योजना को दिखावा कर रहे हैं कि पूरे बिहार और पूरे जिला में नल जल योजना और गरीब को घर में शुद्ध पानी मिल रहा है, आप एक बार बिहार सरकार से हम और बिहार के मंत्री से मांग करना चाहते हैं, आके खगड़िया जिला में आके किसी वार्ड एक भी वार्ड आके देख ले कि कौन घर में नल जल का शुद्ध पानी और कौन घर में पाइप मिल रहा है। हरेक सिर्फ कागजी तौर पर बिहार सरकार का काम और बिहार सरकार का मंत्री अपना कागजी पर काम कर रहा है। धरातल पर आकर भी हम चुनौती देते हैं बिहार सरकार के और बिहार सरकार के मंत्री से कि एक बार खड़िया आके देख ले किस जगह आपका काम और किस जगह आपका किस घर में नल जल और शुद्ध पानी मिल रहा है।